स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सम है। यहाँ देखते हैं कौन सा सम है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार घेरी बनाई जाती है। तो देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है, एक बेलनाकार है बिल्कुल, बाल्टी इसके अंदर क्या है, रेत। इस रेत को जब पलट देंगे भूमि पर तो इस तरह की ढेरी बन जाएगी, शंक्वाकार ढेरी, रेत की ढेरी, रेत की ढेरी। अब ये 32 सेंटीमीटर ऊंची थी ये बेलनाकार बाल्टी और आधार त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर क्या है, रेत। तो यहां उस रेत को डाल दिया, शंक्वाकार ढेरी बन गई। इस ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन क्या रहेगी, इससे जो रेत निकला वो इसमें चला गया, यानी रेत का आयतन बेलनाकार बाल्टी से शंक्वाकार घेरी के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या आर 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच 32 सेंटीमीटर और जो है शंक्वाकार ढेरी, शंक्वाकार रेत की ढेरी की ऊंचाई हमें दी हुई है कितनी है 24 सेंटीमीटर। इसको हम H1 के द्वारा लिख लेते हैं। ढेरी की त्रिज्या मान लो, ढेरी की त्रिज्या कितनी R1 और तिरेक ऊंचाई कितनी मान लें L। तो क्या निकालना है, ढेरी की त्रिज्या और तिरेक ऊंचाई की, ये हमने निकालने हैं दोनों। तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्रश्न के अनुसार बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन, बाल्टी में रेत का आयतन किसके बराबर होगा, शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन। तो दोनों को बराबर रख देंगे, जो नहीं होगा वो निकल जाएगा। तो यहां पर पाई आर स्क्वेयर एच, यहां पर 1/3 पाई आर कितनी वाली हुई है R1 स्क्वेयर और H1। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है R1 का स्क्वेयर। तो R1 का स्क्वेयर बराबर में पाई आर स्क्वेयर H बटा में ये 3 ऊपर चला गया और पाई और H1 नीचे, पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वेयर। तो R कितना है 18 सेंटीमीटर, 18 गुना में 18 गुना में ऊंचाई कितनी है 32 गुना में 3 बटा में H 24, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 से 3 कट गया। तो R1 का स्क्वेयर 18 गुना में 18 गुना में 4, तो R1 बराबर 18 गुना में 18 गुना में 4। तो देखिए ये पेयरिंग में है, वर्गमूल से एक सिंगल बन के बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब 18 गुणा में 2 बराबर 36 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या R1 कितनी होगी 36 सेंटीमीटर उत्तर। तो अब क्या निकालना है, तिरेक ऊंचाई निकालने के लिए क्या फार्मूला है, एल स्क्वेयर एच स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर। तो यहां एच वन और आर वन लिया हुआ है हमने,
एल स्क्वेयर बराबर में एच, एच कितना है 24 का स्क्वेयर प्लस आर कितना है 36, आर वन 36 का स्क्वेयर, तो 24 गुना 24 576 और 36 गुना में 36 छिकम छिकम 36 3 18 और 3 21 36 दिया 108 69 21 1296 एल स्क्वेयर बराबर में 6 और 6 12 9 7 16 और 1 17 1 12 5 17 और 1 18 तो एल बराबर 1872 का वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे 1872 फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं 2 936 2 पे गया 4 दुनी 8 6 दुनी 12 8 दुनी 16 फिर 2 पे गया 23 दुना 46 234 फिर 2 पे गया 117 फिर 3 पे गया 3 तीये 9 9 तीये 27 फिर 3 पे गया 13 13 किसी पे जाएगा नहीं तो पेयरिंग बन गई इसकी 2 दुनी 4 यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 13 तो इन सब का वर्गमूल पेयरिंग के साथ ये 2 गुना में 2 गुना में 3 लेकिन 13 का पेयर बना नहीं तो ये अंदर ही रह जाएगा 3 दुनी 6 दुनी 12 तो 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर उत्तर तो तेरे की ऊंचाई कितनी रहेगी 12 वर्गमूल 13 12 वर्गमूल 13 इसकी तेरे की ऊंचाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी यदि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है जरूरत है तो नहर कैसी होती है घनाभकार इस तरह की नहर जो आप देखते हैं खाले होते हैं जिनमें से पानी निकल करके यहाँ से पानी जो है नहर से छोटी नहर बनाई है मैंने निकल करके कहाँ जा रहा है खेतों में जा रहा है तो खेत भी किस प्रकार के होते हैं इस प्रकार के तो खेतों में पानी जा रहा है तो खेत में जो गहराई कितनी 8 सेंटीमीटर पानी होनी चाहिए क्षेत्रफल हमें निकालना है क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई तो ये नहर कितनी चौड़ी है 6 मीटर और गहरी कितनी है 1.5 मीटर तो सबसे पहले यूनिट यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है चाल किलोमीटर प्रति घंटा है सबको ठीक करेंगे तो किस प्रकार से नहर की चौड़ाई ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं कितनी होगी 6 मीटर लंबाई गहराई यानी कि ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं गहराई एच के द्वारा 1.5 मीटर जो खेत है खेत में पानी की गहराई खेत में पानी की गहराई कितनी मान लें 8 सेंटीमीटर है यानी कि 8 बटा में 100 मीटर 8 बटा में 100 मीटर तो ये है खेत और ये है नहर अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है बात इसकी करें बहाव की चाल देखिए बहाव की या पानी जिसको बोलते हैं की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा पहले इसको मीटर और मिनट में चेंज करें क्योंकि हमने 30 मिनट में पानी निकालना है मीटर पर मिनट में तो गुना कितने से कर दें 1000 और घंटा किसके बराबर होता है 60 मिनट के किसके बराबर होता है 60 मिनट के यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 60 मिनट 60 मिनट तो ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जीरो से जीरो कट गया तो ये होगा 500 ये होगा 3 यानी 500 बटा 3 मीटर
प्रति मिनट। अब देखिए मीटर प्रति मिनट यहां पर किस प्रकार से लेंगे हम। मान लीजिए आपका पानी यहां पर है, तो पानी को एकदम से छोड़ेंगे तो 1 मिनट में पानी कितना चला जाएगा? 500/3 मीटर, यानी 1 मिनट में, कितने में? 1 मिनट में। तो ये पानी कितने का हुआ? 1 मिनट का। तो 1 मिनट में कैसी आकृति है? घनाभ का। तो 1 मिनट में निकले पानी का यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो लंबाई कितनी लेंगे? 1 मिनट में कितनी दूर जाएगा पानी? 500/3, तो 500/3। चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? 1.5। तो 3 दूनी 6, तो 500 × 2 × 15/10। 0 से 0 कट गया, तो 15 × 2 = 30, 3 × 5 = 150, 150, 1500 m³ कितना निकलेगा? 1500 m³। तो 30 मिनट में पानी का आयतन 30 से गुना करते हैं, 30 गुना में 1500, 15 × 3 = 45, तो 30 m³, तो 45,000 m³ पानी निकलेगा। और ये पानी कहाँ जाएगा? नहर से 30 मिनट में निकला पानी किसके बराबर जाएगा? बराबर खेत में पानी का आयतन। तो देखिए आयतन किस प्रकार से निकलता है? क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो यहां पानी कितना निकला है? 45,000। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो ये ऊंचाई हमने जो क्षेत्रफल आया हमने निकालना है, ऊंचाई हमें दी हुई है। तो क्षेत्रफल बराबर 45,000/, जितना हमें पानी की ऊंचाई चाहिए। कितनी चाहिए? 8/100 m। तो 45,000/8, 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो काट दें इसको, 8 × 1 = 8, 8×5 = 40, 5 बच गया 0, 8 × 6 = 48, 2 बच गया 20, 8 × 2 = 16, 8×5 = 40। तो ये 2 0 ये वाली, 56, 25, 2 0 m² उत्तर, यानी इतने क्षेत्रफल में वो सिंचाई कर पाएगा। तो उम्मीद है ये आपने सब समझ लिया है, देख लिया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।